अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिकल कर लिया था जो कि यूनिट वेक्टर के ऊपर था। अभी जो है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर फॉर्मड बाय वेक्टर्स ए एंड बी, यानी एक ट्राइंगल है जिसके जो है दो साइड्स हमें दिए हुए हैं जो वेक्टर ए और बी से मिलकर बने हुए हैं। हमें मालूम करना है डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हमें उस एरिया ट्राइंगल का एरिया मालूम करना होता है। सही है। अब मैं अगर ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो है बात चल रहा है, तो सपोज करो ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, एक प्लेन मिलकर दो वेक्टर मिलकर जो है एक प्लेन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को यहाँ लिखेंगे और वेक्टर ए को वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ। अब ये जो है हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन के अलावा ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। सही है, पैरेललोग्राम है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर लूँ, ये क्या हो गया, ये हमारे डायगोनल हो गया। तो जब मैं यहाँ देख लूँ तो ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ए है, बी है, ये मेरे पास डायगोनल है, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये है जो है हमारे पास वेक्टर ए और बी जो प्लेन बना रहे हैं, जो मतलब पैरेललोग्राम बना रहे हैं, उस पैरेललोग्राम को जब मैं डिवाइड कर लूँ टू से, यानी उसको आधा कर लूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ई बी क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसके मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना होगा। इसके बाद हमें मालूम करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो है मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड करेंगे टू से, इसके बाद हमारे पास आएगा ट्राइंगल का एरिया। तो चलिए मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा डाटा इसका, जो कि हमारे पास है वेक्टर ए, वेक्टर ए थ्री आई के प्लस सिक्स जे के माइनस टू के कैप है, और वेक्टर बी हमारे पास ए फोर आई कैप माइनस जे के प्लस थ्री के कैप। हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। तो हमें ये चीज़ भी पता है, जिस तरह हमने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी का मालूम करने का तरीका वही है पहले जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, आई जे के। अब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का जो है मैं कोफिशिएंट लिखेंगे थ्री सिक्स माइनस टू, और बी का माइनस वन थ्री। सही है। अब मैं क्या करूँगा, आई को लूँगा, आई के जो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको मैं नहीं लूँगा, बाकी जो बचेगा उनको लूँगा, सिक्स माइनस वन माइनस टू थ्री। ये प्लस के साथ लिया है तो दूसरा मैं माइनस के साथ लूँगा, यहाँ भी ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उन दोनों को नहीं लूँगा, बाकी जो रो और कॉलम बचेंगे उनको लूँगा, ये जो बचेगा थ्री फोर माइनस टू थ्री। ये माइनस में लिया है तो के को मैं प्लस के साथ लूँगा, के जिस कॉलम में है जिस रो में उसको नहीं लूँगा, बचेगा थ्री फोर सिक्स माइनस वन। अब ये जो है वही डिटरमिनेंट का फार्मूला है, डिटरमिनेंट का फार्मूला ये था ए बी सी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। यहाँ सपोज करो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये और सी है और डी है, फिर वही डिटरमिनेंट का फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, सिक्स इंटू थ्री छः अठारह, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, एक माइनस फार्मूला का है तो है आएगा माइनस का टू, माइनस जे के यहाँ भी थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, माइनस इंटू माइनस प्लस एट, प्लस के यहाँ भी थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर। ये मिठा होगा ताकि हमारे पास जगह बच जाए,
अब क्या करूँगा, अब ये होगा 18 माइनस 2, मेरे पास बचेगा 16। माइनस मुझे 9 प्लस 8 17, प्लस के -3 × -24 −20 7। अब क्या होगा, 16 i cap − 17 j cap − 27। ये हमारे पास क्या आएगा, a क्रॉस b आ गया। हमें पता है a क्रॉस b का जो है मैग्नीट्यूड पैरालेलोग्राम के मैग्नीट्यूड के एरिया के बराबर होगा। तो जब इसका जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाए तो इसके मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड करेंगे 2 से। हमें पता है जब पैरालेलोग्राम को हम आधा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक ट्राइंगल आएगा। तो उसका जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसका आधा हो जाएगा, तो वो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कहलाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका फिर वही है, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर। 16 का जो स्क्वायर आ जाएगा 256, 17 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 289, और 27 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास 7729। अब इनका जो जमा है मजमुआ आ जाएगा हमारे पास 1274। जब 1274 का हम रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 35.69। इसको जब हम राउंड अप कर लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 36। ये हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी, बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 36। अब जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना, अब ये क्या है, ये एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम है, सही है। अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास वेक्टर ए का, सॉरी ट्राइंगल का एरिया होगा। तो ए क्रॉस बी मालूम कर चुके हैं, 36 डिवाइड बाई 2, सही, 36 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 2 × 2 × 2 = 18, सही, हमारे पास आएगा 18। 18 जो है एरिया का जो एसआई यूनिट है, हमें नहीं दिया हुआ है, तो एसआई यूनिट का हम लेंगे स्क्वायर यूनिट्स, सही। ये हमारे पास हो गया एरिया ट्राइंगल। शुक्रिया।